चलिए दोस्तों, आज हम बताएंगे आपको कि फ्यूज़ फूकने के बाद इंडिकेटर कैसे जलाया जाता है। तो चलिए दोस्तों, होता क्या है दोस्तों, इसमें जैसे हमारा फ्यूज़ उड़ जाएगा तो हमारे इंडिकेटर बताएगा कि हमारा फ्यूज़ उड़ चुका है। तो इसके कनेक्शन कर हम आज आपको दिखाएंगे ये किस तरीके से इसके कनेक्शन किए जाते हैं। तो इसमें हमने 3 स्विचों का इस्तेमाल किया है, एक इंडिकेटर है और एक 5-पिन सॉकेट है और एक ये होल्डर इसका हमने इस्तेमाल किया है। तो चलिए दोस्तों, हम आप जो एक बोर्ड है हमारा 1 वे का चाहिए था, कि हमारे पास फिलहाल 1 वे का नहीं है, तो हम इसी में आपको फिट करके दिखाएंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। ये देखिए दोस्तों, मैंने आपको 5-पिन लगा दिया है। अब ये हम स्विच फिट कर रहे हैं दोस्तों उसमें, क्योंकि आप जब शुरू की प्रक्रिया देखेंगे तभी आपको पता चलेगा कि किस तरीके से इसको फिट किया जाता है। ये अब हम 5-पिन सॉकेट फिट कर दिया है, अब हमने स्विच लगाना शुरू कर दिए हैं। इसमें हम 2 स्विच लगाएंगे और एक फ्यूज़ लगाएंगे हम इसके अंदर, और फिर हम आपको फ्यूज़ हटाकर दिखाएंगे कि फ्यूज़ हटाने के बाद जैसा फूक जाएगा तो हमारा इंडिकेटर चल पड़ेगा। क्योंकि होता क्या है, जैसा इन्वर्टर देखा हो आपने, इन्वर्टर के अंदर फ्यूज़ फूकते तो ही जैसा फ्यूज़ फूक जाता है तो उसका एक इंडिकेटर जो फ्रंट पेज पर लगा होता है, तो फ्रंट में जो है वो इंडिकेटर चालू हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, आज हम आपको उसके लिए तो चलिए दोस्तों, मैं आज आपको बताता हूँ कि किस तरीके से फ्यूज़ का और इंडिकेटर का कनेक्शन किया जाता है। तो दोस्तों, हमने इसमें 2 स्विचों का इस्तेमाल किया है, और दोस्तों जो 2 स्विच हैं हमारे, ये हमने इसमें फिट कर दिए हैं। इसमें हम एक होल्डर लगाएंगे और उस होल्डर को हम आपको लगा कर दिखाएंगे इसका, और इसमें हम दोस्तों एक फ्यूज़ का इस्तेमाल करेंगे दोस्तों। हम फ्यूज़ हमारा ज़रूर लगेगा इसके अंदर, और उस फ्यूज़ से ही हम आपको बताएंगे कि इसके कनेक्शन किस तरीके से किए जाते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा फ्यूज़ लगना शुरू हो गया है, और ये फ्यूज़ हम फ्यूज़ लगा कर आपको जैसा ही फ्यूज़ फूकेगा हम उसको हमारा इंडिकेटर जल जाएगा। तो ये हमने फ्यूज़ लगा दिया है इसमें। दोस्तों होता क्या है, हमें पता नहीं चल पाता कि हमारा फ्यूज़ उड़ा है या नहीं उड़ा है। तो जो हमारे फ्यूज़ उड़ने के बाद ही हमारा इंडिकेटर चालू हो जाएगा। तो हम आपको इसे चला कर दिखाएंगे और इसका पूरी प्रक्रिया दिखाया जाएगी इसकी, ठीक है दोस्तों। अब हम इसके पैच टाइट कर रहे हैं, इसमें ये स्विच 5-पिन हमारे टाइट होने जा रहा है। इसमें ये हमारा स्विच टाइट हो जाएगा। इसमें शोर बहुत है दोस्तों, महल्ले पड़ोस में से बच्चों की आवाज़ आती है। यहाँ पर कमरे में जो है हमारा वेंटिलेटर नेट लगा हुआ है, वहाँ को आवाज़ लीक होकर आ रही है। तो दोस्तों अब हम अपने स्विचों को टाइट कर रहे हैं दोस्तों, फिर उसके बाद हम आपको कनेक्शन कर दिखाएंगे। तो देखिए दोस्तों, ये हमारे स्विच टाइट हो चुके हैं। तो दोस्तों हमने कनेक्शन करने शुरू कर दिए हैं। अब हम इसमें दोनों स्विचों की लुक लगाएंगे। दोस्तों होता क्या है, जिस टाइम पे कनेक्शन किए जाते हैं तो उस टाइम पे अगर इंसान ध्यान रखे तो सारी चीज़ किसी भी तरीके से आप कनेक्शन कर सकते हो। तो दोस्तों ये हमने स्विच लगाना शुरू कर दिया, स्विच में तार लगाना शुरू कर दिया है। अब हम इस स्विच के दूसरे टर्मिनल में लगाएंगे। ये देखिए दोस्तों, ये हमारे दोनों स्विचों को टच आपस में टच हो गए हैं। शोर बहुत है, ये देखिए दोस्तों। अब हम एक तार स्विच से 5-पिन में लगाएंगे। 5-पिन से हम स्विच में लगाएंगे हम इसका तार। ये देखिए दोस्तों, फाइव पिन से स्विच में कनेक्शन हो गए। इस 5-पिन से हम स्विच में कनेक्शन करेंगे।
ये देखो फायर पेन से लुक लग गई है उसमें। अब हम एक तार का टुकड़ा ओढ़ लेंगे जो कि हम फ्यूज पे से और इन दोनों स्विचों की लुक पे लगाएंगे। इसमें हम ब्लू कलर के तार का इस्तेमाल करेंगे। ब्लू तार हम फ्यूज पर लगाएंगे, फ्यूज पर से ही। ये देखे दोस्तों, अब हमने ये फ्यूज पे लगा दिया। अब ये फ्यूज से हम जो है ये तार जो हमने दोनों स्विचों में आपस में टच किया है ये तार हम उसमें लगाएंगे। ये देखे दोस्तों, ये हमने इसके लुक में लगा दिया है। ये देखे दोस्तों, ये हमारे यहाँ तक कनेक्शन कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम इसका जो होल्डर है हमारे पास, इस होल्डर के तार लगाएंगे हम इसमें। ये देखिए दोस्तों, ये हमारे दोनों तार हमने इसमें लगा रखे हैं पहले से ही। एक तार लूज है तो इसे टाइट कर लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये हमारा तार टाइट हो चुका है। और अब हम इस रेड कलर के तार को, ज़्यादा बड़ा है, काट लेते हैं। अब इस रेड कलर के तार को हम 5 पिन के न्यूट्रल वाली खूंटी में लगाएंगे, जिसमें जो कि एन बना होता है। ये हमने न्यूट्रल में इसे टाइट कर दिया है। और इसका जो रेड कलर का तार है वो हम स्विच पर लगाएंगे। इसका दोस्तों स्विच पर लगाएंगे इसका रेड कलर का तार। अब इस तार को हम स्विच पर लगाएंगे। ये हम इस स्विच को इसमें टाइट कर देंगे स्विच पर। ये रेड कलर का हमारा तार स्विच पर लग चुका है। अब ये हम दोस्तों इंडिकेटर पे दो तार लेंगे हम, एक रेड कलर एक ब्लैक कलर का, जो कि हमारा फ्यूज उड़ने के बाद दोस्तों ये जलेगा। ये हमें बताएगा कि हमारा फ्यूज उड़ चुका है। ये देखिए दोस्तों, ये हमने फ्यूज में तार बांध दिया है, इंडिकेटर में तार बांध दिया है। ये देखिए दोस्तों, ज्यादा बड़ा तार है, इसे काटना जरूरी है। अब हम जो है दोस्तों इसके इंडिकेटर के कनेक्शन हम अब आपको दिखाएंगे कि ये इंडिकेटर के कनेक्शन कहाँ पर लगेंगे। तो दोस्तों, ये हमारे इंडिकेटर के जो कनेक्शन है ये हम दो फ्यूज़ के दोनों हिस्सों में लगाएंगे। फ्यूज़ के दोनों हिस्सों में लगेंगे दोस्तों ये तार। एक हम इसमें ब्लू कलर के साथ बांध देंगे इसको। और जो एक है हमारा खाली टर्मिनल है जो कि इसमें फेस आएगा, ये सब बांध देते हैं। देखिए दोस्तों, ये हमारे कनेक्शन बिल्कुल रेडी हो चुके हैं, बिल्कुल तैयार हैं। ये देखिए दोस्तों, समझ लीजिए आप एक बार। अब हम इसमें जो है मेन करंट के तार देंगे, जो कि हमारे पास दोनों ही वायर ब्लैक कलर की है। ये देखिए दोस्तों, ये हमारा न्यूट्रल आ गया, इसका ये फेस आ गया है। ये हमने फ्यूज़ के दोनों टर्मिनल में बांध दिए हैं। ये देखिए दोस्तों, ये दोनों फ्यूज़ के हमारे टर्मिनल में इंडिकेटर के तार हैं। ये देखिए दोस्तों, ये हमने इसमें से यहाँ लिया है और इसके दोनों स्विचों की लुक में आ गया है। और ये रेड कलर का हमारा होल्डर का है, एक लुक आ गई। अब हम इसमें बिजली का मेन करंट दिखाएंगे चालू कर कर आपको। एक तार हम फ्यूज़ की एक टर्मिनल में बांधेंगे जो कि हमारा फेस होगा, और एक तार दोस्तों 5 पिन के न्यूट्रल में बांधेंगे जो कि हमारा न्यूट्रल है। देखिए दोस्तों, हमने ये न्यूट्रल टाइट कर दिया है।
ये हमारे कनेक्शन बिल्कुल कंप्लीट हो चुके हैं दोस्तों। अब हम आपको इसको चलाकर दिखाएंगे। ये हमारे कनेक्शन वो हो चुके हैं, ये हमने बल्ब लगा दिया है इसमें। अब ये हम फ्यूज़ जोड़ रहे हैं। ये हमने इसमें फ्यूज़ लगा दिया है दोस्तों, फ्यूज़। जी हाँ दोस्तों, फ्यूज़ है ये। हमने फ्यूज़ टाइट करते हैं। तो अब दोस्तों हम बोर्ड को आपको पलट कर दिखाएंगे। ये बोर्ड को पलट कर दिखाइए आप। ये देखिए दोस्तों, ये हमारा इंडिकेटर है जो कि हमारे फ्यूज़ फूकने के बाद ये बल्ब चल पड़ेगा दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, ये बल्ब चल गया है इसका। अब जैसे ही हम फ्यूज़ निकालते हैं दोस्तों, ये देखिए हमारा इंडिकेटर चल पड़ा है। ये हमारा इंडिकेटर चालू हो चुका है। अब देखिए, जैसे ही हम फ्यूज़ लगाते हैं, ये हमारा इंडिकेटर बंद है। ये देखिए दोस्तों, एक बार और आपको फ्यूज़ निकाल कर दिखाएंगे। ये देखिए दोस्तों, जैसे ही हमारा फ्यूज़ फूकता है, ये हमारा इंडिकेटर चल पड़ेगा। अब ये समझ लो, हमने जो फ्यूज़ निकाले, समझो सपोज करो ये फूक गया है ये इंडिकेटर। अब जैसे ही हम इसे लगाएंगे, ये देखिए लग तो ही ये हमारा इंडिकेटर ऑफ हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से फ्यूज़ फूकने के बाद इंडिकेटर के कनेक्शन किए जाते हैं। ये देखिए दोस्तों, इंडिकेटर फिर चल पड़ा है फ्यूज़ फूकने के बाद। और जैसा ही ये फ्यूज़ लगाते हैं तो इंडिकेटर आपका बंद हो जाता है। तो देखिए दोस्तों, ये कनेक्शन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, बिल्कुल तैयार हो चुके हैं दोस्तों। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए दोस्तों। मिलते हैं आपसे अगली नेक्स्ट वीडियो में।